जो सत्ता पक्ष है वह आप ये समझिए कि मीडिया पूरी तरीके से उन्हीं के फेवर में बात करता है कि ये सरकार ना इसकी नीति साफ है ना नियत साफ है, ये जनता के बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं। कातिल दंदनाते हुए फिर रहे हैं, नफरत परोसने वाले आज सड़कों पर फिर रहे हैं। ये तो ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, ये अडानी के हैं, अंबानी के हैं, डालमिया के हैं, मेहुल चौकसी के हैं, विजय माल्या के हैं और नीरव मोदी के हैं, ये ऐसे लोगों के हैं। देखिए एक चीज तो ये है कि ये हमारी एक मुहिम चल रही है, देश में है बड़ा बवाल, रोजी रोटी का है सवाल। आज देश के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है वो किस तरह से परेशान है। रोजगार सिमटते जा रहे हैं और महंगाई अपने चरम पर है। आज लोगों से दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल रही है लोगों को। ऐसे में सरकार है कि बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठी हुई है और ये अगर मदद भी कर रहे हैं तो चंद पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। इसी के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये मुहिम चलाई है और हम देश के लोगों तक पहुंच रहे हैं, हर गरीब तक, पिछड़े मजदूर तक, और उनसे उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनको अवेयर करने का काम कर रहे हैं। देखिए ये जो सरकार है ये जिस मुद्दे पर पहली बार आई थी वो मुद्दा यही था कि बहुत हुई महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल ये 30 रुपये और 35 रुपये में बेचने की बात कर रहे थे, सिलेंडर को 150 और 200 रुपये में देने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आए वो 70 साल तो चिल्लाते रहे। हम मानते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई थी, उसी से तो हम तरस थे, लेकिन हमें ये कहाँ पता था कि 60 रुपये लीटर का डीजल जो है वो 100 के तक पहुंच जाएगा, 65 रुपए का पेट्रोल वो 105 107 पहुंच जाएगा। हमें कहां पता था कि ये 400 साढ़े 400 रुपए में बिकने वाला सिलेंडर वो 1000 रुपए को छू लेगा। आज देश में आप देखिए कि तमाम चीजें बिक गई, आज जितनी भी तेल दलहन और तमाम चीजें हैं वो पूरी की पूरी तरह बड़े बड़े लोगों के हाथ में आ गया है और इसी कारण आप ये देखिए कि 200 रुपए में आज तेल बिक रहा है। कल को लोग ये कहते थे कि कम से कम हम नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन आज वो नमक रोटी भी लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ गया है। वो 1 रुपए का नमक जो 1 रुपए के का किलो बिकता था आज वो 30 रुपए किलो हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि गरीब किस तरह से, और जब जिस तरह से नौकरियां जा रही हैं लोगों की, जो पहले 40,000 पर काम कर रहा था आज 20,000 रुपए महीने पर काम करने पर वो आज मजबूर है। आज यही वजह है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। और इस पर देखिए अभी हमारा जो रुपया है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर उसके मुकाबले में मजबूत होता जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजाय इस पर कुछ काम करने के वो ये कह रहे हैं कि रुपया तो कमज़ोर हो ही नहीं रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो साथियों बस ये कहना है हमारा कि इस देश के अंदर युवा सबसे बड़ी शक्ति है, युवा शक्ति, और आज युवाओं को आप देखेंगे कि युवा आज ट्रेनों में किस तरह से बैठकर एक वैकेंसी के लिए जा रहा है, नीचे ऊपर खिड़कियों पर लद के, ये देश के लिए बहुत अफसोस की, चिंता की बात है। युवा सबसे बड़ी शक्ति है, युवाओं को लेकर आज देखिए दूसरे देश किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। यही चाइना है, ये हमसे लेकर जाता है, मकराना से पत्थर लेकर जाता है, राजस्थान से पत्थर लेकर जाता है, शिप में ही उसकी कटाई सफाई छटाई होती है, उसको बनाते हैं और वापस ला के वो इसी इंडिया के अंदर बेचते हैं। जो सत्ता पक्ष है वो आप ये समझिए कि मीडिया पूरी तरीके से उन्हीं के फेवर में बात करता है। ये जो 3 घंटे का रोज का प्रोग्राम होता है टीवी पर वो इतना गंध परोसते हैं कि हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा और ऐसी चीजें लाकर वो ऐसी जगह पर, अभी एक नया डिबेट छिड़ा है कि नोट में अगर सुख शांति समृद्धि की बात करनी है तो नोट पर
लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो डाल दी जाए, देश के अंदर शांति आ जाए। और ये भी किसकी तरफ से, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, ये तो प्रधानमंत्री जी से भी बहुत आगे हैं। वो पूरी तरीके से देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां आज सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कौन सा इशू उठाकर वो सत्ता में पहुंच जाएंगे, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जनता की भाई साहब किसी को पड़ी ही नहीं है। वो बाइंड्रियां वो खड़ी करती हैं, वो बाढ़ बनाते हैं लोगों के दरमियान, वो दिलों को बांटने का काम करते हैं और अपनी अपना वोट बैंक बना रहे हैं। वोट तो उसी के नाम पे मिल रहा है। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि देश के अंदर जनता अपने अधिकारों को समझे। लोकतंत्र में सबसे मजबूत हथियार जो उसके पास है वो वोट का अधिकार है। वो वोट का अधिकार अगर वो जात पात के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर देंगे तो हमेशा ये होगा कि करप्ट लोग उन पर शासन करेंगे और उनका शोषण करेंगे। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मूल्यों पर, हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करने के लिए आए हैं। हम अखदार पर मुबनी सियासत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जनता भी मूल्यों के आधार पर वोट दे, ईमानदार नेतृत्व को चुने और इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर देश को कल्याणकारी देश बनाए, कल्याणकारी राज्य बनाए। जब वेलफेयर स्टेट होगा तभी लोगों का वेलफेयर होगा। वो सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। सरे मिंबर मतलब मंच पर पहुंचकर वो सपनों का एक महल बनाते हैं। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। उनका काम है तकरीर करना। अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, ये बात कबूल कर चुके हैं कि इनके पास सिर्फ चुनावी जुमले हैं, इनके वादे चुनावी वादे हैं। और आज तो ये बात भी हो गई कि अगर कोई कुछ देना भी चाह रहा है, हम ही को वो अधिकार हो कि हम वादा कर सकें, दूसरी पार्टियां वादा भी ना कर सकें, इसलिए चुनावी रेवड़ी की भी बात हो गई है। तो भाइयों, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सरकार ना इसकी नीति साफ है ना नीयत साफ है। ये जनता के बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि ये केवल अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं वोट बैंक के लिए। कौन गिरफ्तार करेगा? अभी सराज तालिब एक अच्छी बात भी करे, पता नहीं क्या अभी हमारी ही इस बयान को किस तरह से पेश कर दिया जाए और जेलों के अंदर हमें डाल दिया जाए। कोई सुनवाई हमारी होने वाली नहीं रहेगी। कातिल दंदनाते हुए फिर रहे हैं, नफरत परोसने वाले आज सड़कों पर फिर रहे हैं। ये तो देश के अंदर कोई कितना भी भ्रष्ट और करप्ट क्यों ना हो, अभी बीजेपी में शामिल हो जाए उसको फौरन नीट एंड क्लीन कर दिया जाए। भाई साहब, ये किसी की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, ये अडानी के हैं, अंबानी के हैं, डालमिया के हैं, मेहुल चौकसी के हैं, विजय माल्या के हैं और नीरव मोदी के हैं। ये ऐसे लोगों के हैं। ये तो आज पसमांदा की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। हकीकत ये है कि ये पूरी तरीके से अडानी और अंबानी के दोस्त हैं और ये उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये पूरे देश को गर्त में ले जा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ वो एक तो एजुकेशन की बात करते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि बिल्किस बानो पर, भाई कितना बड़ा वो अपराध हुआ था, क्राइम हुआ था, जिसमें एक महिला जिसके पेट में बच्चा है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, जब इस पर उनसे सवाल किया जाता है तो वो बिल्कुल मुंह पे चुप्पी लगा लेते हैं और कहते हैं हमसे तो आप शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि वो राजनीति किस तरह से खेलते हैं और नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो ले आते हैं और कहते हैं इनको ले आइए, क्योंकि उनको राजनीति करनी है उसी पर। तो पूरी तरीके से नटवर लाली का काम कर रहे हैं, एक बढ़िया मजे हुए पॉलिटिशियन वाला, नटवर लाली वाला इस वक्त वो काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ दिख रहा है सामने।
कि अभी ये तो ड्रम बजवाएंगे और जिस ताली थाली को इन्होंने बजवाया था जनता अब खुद बजाएगी, जब उसके बर्तन में कुछ रहेगा ही नहीं तो बर्तन तो खुद ही बजना शुरू हो जाएंगे, खाली बर्तन हमेशा बजते हैं, तो वो चीज़ अब सामने आने वाली है। श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, फ्रांस जैसे हालात हो जाएंगे, लीबिया जैसे हालात हो जाएंगे। देश इस वक्त बहुत संकट में है और इस संकट की घड़ी में हमें चाहिए कि हम तमाम लोग इन चीज़ों से उठकर आंख खोले। मैं एक बात कहता हूं कि हम अगर एक बार किसी से धोखा खाते हैं, वो धोखा जो हमें देता है वो पहली बार धोखा देने वाला शर्मिंदा हो, अगर हम धोखा दोबारा खाते हैं तो हमें खुद शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि बार बार जो धोखा खाता है वो फूल होता है, उसको शर्मिंदा होना चाहिए। तो हमें बार बार धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों से हमें खुद ही सतर्क हो जाना चाहिए और देश के हित के लिए हम लोगों को काम करना